आधुनिक भारतीय चित्रकला की पृष्ठभूमि। आधुनिक भारतीय चित्रकला का इतिहास एक उलझनपूर्ण किंतु विकासशील कला का इतिहास है। इसके आरंभिक सूत्र इस देश के इतिहास तथा भौगोलिक परिस्थितियों से जुड़े हुए हैं। विस्तारवादी, साम्राज्यवादी, बर्बर और लालची विदेशी शक्तियों ने इसे बार बार आक्रांत किया। अतः एक स्वतंत्र चेता राष्ट्र के रूप में इस देश की विचारधारा, कला एवं संस्कृति का विकास अपेक्षित दिशा में नहीं हो सका। आधुनिक युग में भी ब्रिटिश सत्ता के भारत से चले जाने के उपरांत इस देश की कला का विकास सम्यक रीति से नहीं हो पा रहा है। न हम अपनी परंपराओं और अतीत को ही सही ढंग से समझते हैं और न पश्चिमी आंदोलनों के भारत देश पर पड़ने वाले आवश्यक अथवा अनावश्यक प्रभावों को ही गंभीरता से सोच पा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में आधुनिक भारतीय चित्रकला की कोई राष्ट्रीय व्याख्या संभव नहीं है। जैसे कोई झरना गिरकर अनेक छोटी छोटी धाराओं में बहने लगे, यहाँ तक कि कुछ पतली धाराएं नालियों में बदल जाए, कुछ ऐसी ही स्थिति आज भारतीय चित्रकला की है। पिछले युगों को छोड़कर यह धारा जिस प्रकार आगे बढ़ी है, उसका ही संक्षिप्त इतिहास अगले पृष्ठों में प्रस्तुत किया जा रहा है। आधुनिक भारतीय चित्रकला का इतिहास प्रचलित परंपरागत कला शैलियों, राजस्थानी, पहाड़ी तथा मुगल के अवसान तथा भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के साथ जुड़ा हुआ है। यूँ तो पश्चिमी कला के तकनीक की कुछ विशेषताएं सीखने के लिए अकबर ने भी अपने कुछ अन्य चित्रकार गोवा भेजे थे, पर जैसे जैसे भारतवर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बढ़ता गया और हिंदू तथा मुस्लिम शासकों को पदच्युत करके अनेक राज्यों का शासन सीधे ब्रिटिश सत्ता के अधीन होता गया, वैसे वैसे राजाश्रय में पलने वाले चित्रकार भी अपने आश्रयदाताओं के दरबारों से पलायन करते गए। भारत में कुछ पश्चिमी चित्रकार मुख्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा ब्रिटिश शासन के अधिकारियों के साथ आए और कुछ अन्य चित्रकार भारत की समृद्धि की ख्याति सुनकर विदेशी व्यापारियों की भांति भारत में अपना भाग आजमाने आए। भारतीय संरक्षकों ने अपनी परंपरागत कला शैलियों का तिरस्कार करते हुए इन पश्चिमी चित्रकारों को अप्रत्याशित प्रोत्साहन दिया, किंतु राजाश्रय से भिन्न यहाँ के लोक जीवन में कलाओं का जो अनिवार्य प्रयोग होता रहा है, उसकी धारा इस युग में भी अविच्छिन्न बहती रही और उसके सौंदर्य को कलाकारों की नई पीढ़ियों ने केवल तभी पहचाना जब यूरोप के कला मर्मज्ञों ने आदिम कला तथा लोक कला की शक्ति की भूरी भूरी प्रशंसा की है। भारतीय लोक कलाओं का प्रभाव आज हम देश के मूर्धन्य कलाकारों पर देखते हैं। भारत में अंग्रेजी शासन के फलस्वरूप कला के क्षेत्र में दो प्रभाव पड़े। एक तो यह कि स्थानीय चित्रकारों ने अपनी समझ के अनुसार पश्चिमी कला के मिश्रण से एक संकर कला शैली का सूत्रपात किया, जिसे कंपनी शैली कहा जाता है। दूसरा यह कि समाज के उन सभी वर्गों में जो कलाओं के संरक्षक समझे जाते हैं, पश्चिमी कला के प्रति आदर भाव और अपनी कला के प्रति हीनता का भाव उत्पन्न हुई। स्वयं अंग्रेजों ने इस भावना को बढ़ाने तथा पश्चिमी चित्रकारों को भारत में प्रोत्साहित करने का भरपूर प्रयत्न किया। जो भारतीय चित्रकार पश्चिमी शैली में कार्य करते थे, अंग्रेजों ने उनकी भी पीठ थपथपाई। 19वीं शताब्दी के मध्य आते आते राजस्थानी, पहाड़ी तथा मुगल शैलियों में पर्याप्त ह्रास हो गया था। राजस्थान की प्रमुख शैलियों मेवाड़, बूंदी, मालवा, जोधपुर, किशनगढ़ आदि की शैलियों के अत्यंत दुर्बल हो जाने और जयपुर शैली के व्यापक प्रसार के कारण राजस्थानी कला की पहले जैसी स्थिति नहीं रही थी। जयपुर शैली के चित्रों की मांग बढ़ जाने के कारण घटिया स्तर की असंख्य कृतियों का निर्माण होने लगा, जिनमें चर्बों के आधार पर प्राचीन चित्रों की अनुकृतियों की संख्या बहुत अधिक थी। 1880 तक आते आते इस शैली पर पर्याप्त यूरोपीय प्रभाव पड़ चुका था। पहाड़ी शैली की अंतिम परिणति सिख चित्रकला में हुई, जिसमें पर्याप्त दुर्बलता, आलंकारिता तथा रेखांकन की कठोरता है। रंगों में भी पहले जैसा सौंदर्य नहीं रहा, इसके साथ ही इस पर भी पश्चिमी कला का प्रभाव पड़ा। मुगल कला में भी इस समय पहले जैसी उत्कृष्टता न रही। आकृतियों में छाया प्रकाश दिखाने के हेतु काले रंग का प्रयोग किया जाने लगा। यूरोपीय कला के प्रभाव से अंधकारपूर्ण वातावरण में तेज प्रकाश से चमकती आकृतियां भी अंकित की जाने लगी। घटिया रंगों का प्रयोग होने लगा और अनेक नकलें तैयार की जाने लगी। आलोचकों ने मुगल शैली के तीन रूप माने हैं, दरबारी, लोकप्रिय तथा बाजारू। शक्तिशाली शासकों के अंत के साथ ही दरबारी मुगल कला भी समाप्त हो गई। मुगल कलाकारों की परंपरा की अनुकृति करने वाले अन्य चित्रकारों की कला लोकप्रिय मुगल अथवा प्रांतीय मुगल कहलाई, और जो दरबारी मुगल कलाकार कहीं भी आश्रय न मिलने पर बाजार में आ बैठे, उनकी कला बाजार मुगल कला कहलाई।
इस प्रकार मुगल कला का स्तर भी बहुत गिर गया था। 19वीं सदी की दक्षिण की कला में मुगल तत्वों के साथ साथ यूरोपीय तत्वों का बहुत अधिक सम्मिश्रण होने से इसमें भी पहले के समान सौंदर्य नहीं रहा। इस समय तक अनेक विदेशी चित्रकार भी विभिन्न शासकों के दरबारों में आने लगे थे, उनके कारण भारत की परंपरागत शैलियों को बड़ा आघात लगा। 19वीं सदी में भारतवर्ष के कई स्थानों पर कुछ स्थानीय शैलियाँ भी चल रही थी, इनमें निम्न शैलियाँ प्रमुख थीं। पहला है बंगाल की पटुआ कला तथा कालीघट की पट चित्रकला। लोक कला के दो रूप हैं, एक प्रतिदिन के प्रयोग से संबंधित और दूसरा उत्सवों से संबंधित। पहले में सरलता है, दूसरे में अलंकारिता, दिखावा तथा शास्त्रीय नियमों के अनुकरण ही की प्रवृत्ति है। पटुआ कला प्रथम प्रकार की है। पटुआ कला और कालीघाट की पट चित्रकला भी एक नहीं है, एक जैसी है। जब कलकत्ता शहर बना तो कुछ ग्रामीण शिल्पी कालीघाट में आकर बस गए और चित्रण करने लगे। वे मूलतः ग्रामीण कलाकार थे। कालीघाट में आकर उनकी परिवर्तन होने लगा। उन्हें शहरी लोगों के लिए चित्रांकन करना पड़ा, अतः इस नई विधि में पटुआ कला की मूल भावना लुप्त हो गई। रूप तो पुराने ढंग पर ही बनाए गए, पर विषय वस्तु में परिवर्तन हो गया। इस प्रकार रूप और प्रतिपाद्य की एक सूत्रता समाप्त हो गई और कला अपने आदर्श से विमुख हो गई। विशुद्ध पटुआ कला अत्यंत प्राचीन है। इस कला के कुछ मूल आधार खोज लिए गए थे, पर धीरे धीरे ग्रामीण जीवन में इसके चित्रों की मांग बढ़ जाने के कारण इस कला में यांत्रिक पुनरावृत्ति तथा व्यावसायिकता का समावेश हो गया। आज के बंगाली पटुआ कलाकार इस कला का अर्थ भी नहीं समझते, किंतु इसके रूपों का आधार इतना दृढ़ है कि अत्यधिक यांत्रिक होने पर भी इसके मूल रूप पूर्णतः विलुप्त हुए हैं। पटुआ कला में पिछले युग के मानव द्वारा समझे गए प्रकृति के सारभूत तत्व प्रकट हुए हैं, अतः यह प्रकृति की यथार्थ प्रतिकृति नहीं है। यह चारों ओर के वातावरण से मनुष्य के मन में उठे संवेगों की सीधी अभिव्यक्ति है, अतः इसमें वस्तुओं के केवल आवश्यक तत्वों को लेकर ही रूप रचना कर दी जाती है। संसार भर की आदिम कलाओं में यह प्रवृत्ति मिलती है, पर यह उनसे इस रूप में भिन्न है कि एक तो पटुआ कला के स्रोत स्थानीय मिथक है, दूसरे पटुआ कलाकार परिष्कृत कला को भी देखता है जो शहरों में चलती रहती है। पटुआ कला मिथकों तथा विश्वासों पर जीवित रही है। आदिम कला में अलग अलग आकृतियों में तो लयात्मकता है, पर संपूर्ण संयोजनों में नहीं है। पटुआ कला के सभी रूप एक काल्पनिक अंतर्जगत की वस्तु है, एक रहस्य सूत्र से वे आपस में संबंधित हैं, उनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं होता है, ब्रह्मांड के सारभूत रूपों से होता है। पटुआ कला ने अपने मिथक विश्वासों को सरल रूपों में प्रस्तुत किया, उन्हें कोमल अथवा जटिल नहीं होने दिया। उसके सामने परिष्कृत कला भी थी, किंतु उसने उसकी अनुकृति नहीं की। अगला है कालीघाट के पटचित्र। कालीघाट के पटचित्रों में व्यावसायिकता के साथ साथ शहरीपन भी आ गया है। उनके विषय तो नए हो ही गए हैं, सामग्री में भी परिवर्तन हुआ है। कालीघाट कलकत्ता में काली मंदिर के निकट के बाजार में बिकने वाले इन पटचित्रों को प्रायः दर्शनार्थी भक्तजन खरीद ले जाते हैं। ये प्रायः टाट, कपड़ा, कागज अथवा कपड़े पर चिपके कागज तथा कैनवास पर बनाए जाते हैं। इनमें प्रायः धार्मिक कथाओं, देवी देवताओं की छवियों अथवा सामाजिक विषयों का अंकन रहता है। हास्य तथा व्यंग्य के चित्र भी अंकित किए जाते हैं। खनिज रंगों से टेम्परा विधि में चित्रण करके तुलिका द्वारा बाह्य रेखांकन कर दिया जाता है। पट चित्रण की परंपरागत विधि में टाट पर गोबर मिट्टी का छना हुआ गाढ़ा लेप करके सुखा लिया जाता है, फिर उसे घोट कर चिकना कर लेते हैं। तत्पश्चात उस पर खनिज रंगों से तुलिका द्वारा आकृति रचना करते हैं। 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में कालीघाट में पट चित्रों तथा कागज़ पर बने चित्रों का बहुत प्रचार रहा है। इनमें लोक शैली के साथ साथ कहीं कहीं यूरोपीय टेक्निक का भी सम्मिश्रण किया गया है। कालीघाट के अतिरिक्त इस प्रकार के चित्र मिदनापुर, हुगली, चंद्रनगर, बर्दवान तथा मुर्शिदाबाद में भी अंकित किए जाते रहे हैं। जया अप्पा स्वामी के अनुसार इसके प्राचीन उदाहरण 1850 ईस्वी से पूर्व के नहीं मिलते। अगला शैली है उड़ीसा के पटचित्र। 17वीं सदी की उड़ीसा की स्थानीय चित्रकला में मुगल, दक्षिणी तथा विजयनगर की कला शैलियों का सम्मिश्रण हुआ। इनके प्रभाव से लोक कला का वेग, अपभ्रंश शैली की अंतराल व्यवस्था, विजयनगर शैली का आकृति विधान, दक्षिण शैली की अलंकारिता तथा मुगल शैली की रेखांकन की बारीकी का सम्मिश्रण हुआ।
यही शैली 18वीं-19वीं सदी की उड़ीसा की पट चित्रकला में आगे विकसित हुई, जिस पर कालीघाट की शैली का प्रभाव भी पड़ा। वृक्षों का लताओं के समान अंकन भी इस शैली की एक मुख्य विशेषता है। 19वीं सदी में इस पर कंपनी शैली का प्रभाव भी पड़ने लगा। इस शैली के चित्रकार मुख्य रूप से कपड़े पर ही चित्रांकन करते रहे हैं। इस शैली के चित्र प्रायः जगन्नाथपुरी में आने वाले तीर्थयात्री एवं पर्यटक खरीद कर ले जाते हैं। अतः विशाल पैमाने पर साधारण कुट के चित्रों की लोक शैली के समान ही रचना होती रही है। धार्मिक कथानकों के पुस्तक चित्र भी बनाए गए हैं। प्रायः राधा कृष्ण के कथानक संबंधी चित्रों की अधिकता है। अगला शैली है नाथ द्वारा के पटचित्र। नाथ द्वारा यूँ तो मेवाड़ शैली की प्रसिद्ध केंद्र रहा है, तथापि श्रीनाथ जी के दर्शनों को आने वाले तीर्थयात्रियों में प्रसाद के साथ साथ धार्मिक दृष्टि से चित्रों की भी बड़ी मांग रहती है। इस मांग को पूरा करने के लिए सामान्य स्तर की शैली में पटचित्र यहाँ बहुत बड़ी संख्या में बनते हैं। प्रायः भगवान श्री कृष्ण के बाल एवं ग्वाल स्वरूप तथा गोपिकाओं और राज से संबंधित घटनाओं एवं श्रीनाथ जी की छवियों को ही चित्रित किया जाता है। यहाँ बने पटचित्र पिछवाइयों के रूप में भी प्रचलित हैं और सामान्य रूप से लटकाए जाने वाले चित्रों के रूप में भी। प्रायः टेम्परा विधि से राजस्थानी कला की परंपरा में ही चित्रण किया जाता है, पर सरलीकरण इतना अधिक है कि यदि इन्हें चाहे तो लोक कला के समकक्ष रख सकते हैं। यहाँ की वर्तमान परंपरागत शैली में मेवाड़ के अतिरिक्त किशनगढ़, जयपुर तथा मुगल शैलियों का भी सम्मिश्रण हुआ है। खूबीराम, घासीराम, हीरालाल, नरोत्तम नारायण, लक्ष्मीलाल, नंदलाल, गिरधारीलाल, भंवरलाल, नयनसुख, राजेंद्र शर्मा, गुलाब जी मिस्त्री, घनश्याम, शंकरलाल आदि यहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार हैं और इनमें से अनेक चित्रकारों की कृतियाँ मुद्रित तथा लोकप्रिय हुई हैं। इनका कार्य प्रायः व्यावसायिक स्तर का है। इनमें से अनेक चित्रकारों की कृतियाँ कैलेंडरों के माध्यम से घर घर में पहुँच चुकी है। नाथद्वारा की शैली से मिलते जुलते अनेक चित्र मथुरा तथा वृंदावन के बाजारों में भी बनते और बिकते हैं। इनमें मुख्यतः जयपुर, किशनगढ़ तथा मेवाड़ की कला का प्रभाव रहता है। अगला शैली है तंजौर शैली। तंजौर शैली के चित्र। तंजौर शैली प्राचीन काल से ही कलाओं का समृद्ध केंद्र रहा है। चोल राजाओं के समय यहाँ पर्याप्त उन्नति हुई थी। 18वीं तथा 19वीं सदी में भी यहाँ मुगल शैली के सम्मिश्रण से चली आ रही दक्षिणी शैली का ही प्रचलन था, किंतु धार्मिक तथा परंपरागत विषयों के चित्र परंपरागत शैली का आधार लेकर निर्मित किए जाते रहे। मराठा काल में यहाँ पुस्तक चित्रण तथा पट चित्रण के अतिरिक्त लकड़ी के पटरों पर छिपके कपड़ों पर चित्रण की विधि भी विकसित हुई थी। इसमें किंचित गाढ़े लेप से आकृतियाँ बनाकर रिलीफ का हल्का प्रभाव दिया जाने लगा। रामायण, कृष्ण लीला आदि विषयों का अंकन इस प्रकार के चित्रों में बहुत हुआ है और रंगों के अतिरिक्त मूल्यवान पत्थरों तथा सुवर्ण के पत्रों को भी चिपकाया गया है। यह कला हैदराबाद, कुडप्पा, कुरनूल, अरकाट, मैसूर तथा तंजौर सभी स्थानों पर किंचित स्थानीय विशेषताएँ लेकर विकसित हुई। केदारनाथ, बद्रीनाथ, द्वारका आदि में बिकने वाले धार्मिक चित्रों तथा बंगाल, मधुबनी, मिथिला, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मालवा आदि की लोक शैलियाँ भी अत्यंत जीवंत रूप में अपने अपने क्षेत्रों को निरंतर प्राणान्वित करती रही हैं। अगला चित्रकारी है कांच पर चित्रण। 18वीं सदी उत्तरार्ध में पूर्वी देशों की कला में अनेक पश्चिमी प्रभाव आए। यूरोपवासी समुद्री मार्गों से खूब व्यापार कर रहे थे। डचों, पुर्तगालियों, फ्रांसीसियों तथा अंग्रेज व्यापारियों ने भारतीय सागर तटों पर अपनी बस्तियां स्थापित कर ली थी। इनके लिए अनेक चित्रकार यूरोपीय कांच चित्रण के अनुकरण पर चित्रांकन कर रहे थे। यह कार्य मुख्यतः चीनी चित्रकार कर रहे थे। भारतीय राजाओं ने भी विदेशी चित्रकारों को अपने दरबारों में स्थान दिया। टीपू सुल्तान ने भी इनसे अनेक चित्र बनवाए। सतारा, कच्छ तथा मुंबई में भी अनेक चित्रकार थे जिनकी शैली में चीनी यूरोपीय पद्धतियों का सम्मिश्रण था। कांच पर चित्रण आरंभ में दक्षिणी भारत में प्रचलित हुआ था। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र तथा महाराष्ट्र में यह माध्यम भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में पहले आरंभ हुआ था। सभी क्षेत्रों में स्थानीय शैलियों के प्रभाव से परिवर्तन भी हुए। तंजौर में यह काष्ठ चित्रण से प्रभावित हुआ। भीड़ युक्त सपाट संयोजन, कृत्रिम अलंकरणों की प्रचुर सजावट और प्रदर्शन, सुवर्ण का अत्यधिक प्रयोग, रंगों में छाया देने के उपरांत भी प्रायः सपाट तथा अलंकारिक प्रभाव, रेखांकन में भारीपन आदि इन चित्रों की प्रमुख विशेषताएँ हैं। मैसूर के चित्रों का रेखांकन अधिक स्पंदन युक्त है, अलंकरण कम है और आकृतियों में गति तथा सजीवता है। कालीघाट की कांच चित्रण
कला में मोटी सीमा रेखा, ओजपूर्ण आकृतियाँ तथा भारीपन है। पृष्ठभूमि रिक्त रहती है। सभी स्थानों पर प्रायः देवी देवताओं, राज दरबारों तथा गणिकाओं का अंकन इस कला में अधिक हुआ है। अगला टॉपिक है भारत में विदेशी चित्रकार। आधुनिक भारतीय चित्रकला के विकास के आरंभ में उन विदेशी चित्रकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है जिन्होंने यूरोपीय प्रधानतः ब्रिटिश कला शैली के प्रति भारतीय मानस में अधिकाधिक रुचि उत्पन्न कर दी थी। भारत में विदेशी कलाकार प्राचीन युगों में भी आते रहे थे। इनके प्राचीनतम उदाहरण कांधार शैली में मिलते हैं। ईसाई धर्म के प्रचारकों के रूप में ईसा के शिष्य संत लूका द्वारा रचित एक चित्र को उनके दूसरे शिष्य संत टॉमस भारत लाए थे। मध्य युग में सीरियाई चर्च का भारत आगमन हुआ और उसके साथ पश्चिमी एशिया में प्रचलित ईसाई कला शैली का भारत में प्रवेश हुआ। मुगल युग में पुर्तगाल ने गोवा में अपना केंद्र स्थापित किया और तभी से मुगल कला पर पुर्तगाली तथा डच प्रभाव पड़ना आरंभ हुआ। किंतु कुछ समय पश्चात इंग्लैंड के राजदूत सर टॉमस रो के साथ जो ब्रिटिश प्रभाव भारत में आया वह निरंतर बढ़ता ही गया। मुगल तथा राजपूत शैलियों के समस्त क्षेत्रीय रूपों में इसे देखा जा सकता है। मुगल साम्राज्य के पतन के समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के साथ साथ अपना राजनीतिक प्रभुत्व भी बढ़ाती जा रही थी। कंपनी की आज्ञा लेकर अथवा स्वतंत्र रूप से इंग्लैंड से आने वाले ब्रिटिश चित्रकार भारत में अपना समृद्ध बाजार देख रहे थे। कुछ तो भारत के मुगल अथवा हिंदू शासकों के दरबारों में पहुंचे जहां उनके चित्र बहुत अच्छे मूल्य पर खरीदे जाने लगे। कुछ चित्रकार भारत के विभिन्न स्थानों पर घूम घूमकर प्रसिद्ध स्मारकों, तीर्थों, जनजीवन तथा विशिष्ट व्यक्तियों के चित्र बनाने लगे। इन्हें उस समय के समस्त व्यक्ति खरीद लेते थे। सबसे अधिक चित्र कंपनी के अधिकारियों ने खरीदे। यही नहीं, कंपनी के अधिकारियों ने कुछ चित्रकारों से अपनी इच्छानुसार भारत के चित्र बनवाए। इनमें दृश्य चित्रों, लोक जीवन के चित्रों तथा व्यक्ति चित्रों की प्रमुखता थी। ब्रिटिश चित्रकारों का बड़ी संख्या में भारत में आगमन मध्य 18वीं सदी से आरंभ हुआ जबकि कंपनी का व्यापार पर्याप्त उन्नत था। इस समय ब्रिटिश चित्रकारों ने भारत से खूब धन बटोरा। इन समस्त चित्रकारों का युग सन 1760 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक रहा है। इनमें कुशल चित्रकार, शौकिया कलाकार, नारी चित्रकार तथा व्यावसायिक कार्य करने वाले कलाकार सभी थे। सन 1769 ईस्वी में भारत में टिल्ली कैटी लाए। अकेले ही मद्रास, कलकत्ता तथा लखनऊ का भ्रमण करके अंत में अवध के दरबार में उन्होंने बहुत धन अर्जित किया। उनकी सफलता का समाचार इंग्लैंड जब पहुंचा तो सन 1774 में जॉर्ज विलिसन और सन 1776 में सेटोन, सन 1777 में कैथरीन रीड, सन 1778 ईस्वी में मिस आइजैक भी भारत की ओर दौड़े। जब ये कलाकार धनवान होकर इंग्लैंड पहुँचे तो वहाँ से अनेक श्रेष्ठ चित्रकारों की भीड़ भारत में अपना भाग्य आजमाने आ पहुँची। सन 1780 ईस्वी में विलियम होजेज, सन 1782 ईस्वी में जॉर्ज फेरिंगटन, सन 1783 ईस्वी में जोफनी, सन 1784 ईस्वी में थॉमस हिकी तथा सन 1785 ईस्वी में हम्फ्रे अल्फाउंडर, आर्थर विलियम डेविस तथा जॉन स्मार्ट भारत आए। होजेज को भारत के वायसराय वारंग हेस्टिंग्स का संरक्षण मिला। फेरिंगटन ने मुर्शिदाबाद को अपना केंद्र बनाया। भारत के विभिन्न स्थानों के चित्रों की दृष्टि से जोफनी सर्वाधिक लोकप्रिय हुए। आर्थर विलियम डेविस के चित्र भी बहुत प्रसिद्ध हुए। लॉर्ड कार्नवालिस के एक व्यक्ति चित्र से उनको 21,000 रुपये मिले। फिर भी उनका अंतिम समय निर्धनता में व्यतीत हुआ। ब्रिटिश चित्रकारों में से एमिल ईडन, जी टी विग ने, अगस्तो सोप्त ने पंजाब में भी चित्रांकन किया और यह लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में भी पहुँचे। मिस एमिली ईडन को रणजीत सिंह की सभी बनाने का सर्वप्रथम अवसर भी प्राप्त हुआ। बाद में विंटर हाल्टर, हार्डिंज, रिचमंड तथा प्रिंस ए सोल्टिकॉप भी पंजाब में सिख शासकों का चित्रण करते रहे। अगला टॉपिक है डेनियल चित्रकार। टॉमस तथा विलियम डेनियल भारत में सन 1785 से सन 1794 के मध्य रहे थे। उन्होंने कलकत्ता के शहरी दृश्य, ग्रामीण शिक्षक, धार्मिक उत्सव, नदियां, झरने तथा प्राचीन स्मारक चित्रित किए। श्रीनगर गढ़वाल में उन्होंने रस्सी के पुल का भी चित्रण किया। दक्षिण में उन्होंने कन्याकुमारी के सागरी दृश्य, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मंदिरों, गोपुरों, प्रपातों आदि के अनेक चित्र बनाए। पश्चिम भारत का भ्रमण कर उन्होंने एलोरा, एलिफेंटा तथा अजंता आदि के स्थापत्य का भी चित्रण किया। इन सभी स्थानों पर बनाए गए स्केच तथा चित्र 6 खंडों में विभाजित है।
पहला ओरिएंटल सीनरी, दूसरा 24 व्यूज इन हिंदुस्तान, तीसरा एंटीक्विटीज ऑफ इंडिया, चौथा है हिंदू एक्सकेवेशंस इन माउंटेन ऑफ एलोरा नियर औरंगाबाद इन द डक्कन, पांचवा है 24 लैंडस्केप, छठवा है ताजमहल आदि के चित्र। भारत में उस समय न तो रेलगाड़ी थी और न स्टीम से चलने वाली नाव। इन दोनों चित्रकारों ने साधारण नाव में बैठकर ही नदी मार्गों से भारत की यात्रा की और चित्र बनाए। इनके पास एक तत्कालीन बॉक्स कैमरा भी था। कानपुर से इन्होंने मैदानी यात्रा पालकियों में की। इनके साथ दक्षिण की यात्रा में लगभग 50 सेवक थे। 11-11 कहारों वाली दो पालकियाँ, दो घोड़े, एक बैलगाड़ी, 3 बोझा ढोने वाले सांड, 7 आदमी सामान लेकर चलने वाले, 2 कुली, अर्दली, खजानची, तंबू गाड़ने वाले तथा छोटे छोटे काम करने के लिए एक मुसलमान बालक। दोनों डेनियल चित्रकारों ने बड़े ही यथार्थतापूर्ण दृश्यों का अंकन किया है। इनका माध्यम प्रायः जल रंग थे। इन्होंने जल रंगों के एक्वाटिंग तकनीक का भारत में श्री गणेश किया और उसे बंगाली चित्रकारों को भी सिखाया। इंग्लैंड वापस लौटने पर वे भारतीय जीवन के चित्र के विशेषज्ञ तो माने ही गए। उन्होंने ब्रिटिश भवन कला को भी प्रभावित किया। उनके सहयोग से इंग्लैंड में कुछ ऐसे भवन भी बने जिन पर भारतीय स्थापत्य कला की छाप है। उनके चित्रों में ब्रिटिश कला में संयोजन के रूप को भी प्रभावित किया गया। 1837 ईस्वी में भतीजे विलियम डेनियल की तथा 1840 में चाचा टॉमस डेनियल की मृत्यु हो गई। डेनियल तथा अन्य ब्रिटिश चित्रकारों ने भारत में ब्रिटिश चित्रकला के प्रति जो रुचि उत्पन्न कर दी थी वह बहुत समय तक भारतीय कला को प्रभावित करती रही। विशेषतः आधुनिक भारतीय चित्रकला में विशुद्ध दृश्य चित्रण तथा यूरोपीय पद्धति के तैल माध्यम में व्यक्ति चित्रण की दृष्टि से इन चित्रकारों ने जो आधार बनाया उसी का भारतीय चित्रकारों ने आगे विकास किया। अगले चित्रकार हैं अगस्तो सोत। इनका समय काल है 1809 से 1880 के बीच। सोप्त हंगेरियन चित्रकार थे। उनके विषय में भारत में बहुत कम जानकारी है। सोप्त के पितामह या पिता जर्मनी में पैदा हुए थे पर वे हंगरी में बस गए थे। वहाँ पेस्ट नामक नगर में वे जिस गली में रहते थे वह आज भी चित्रकारों की गली कहलाती है। उनका घर 7 उल्लुओं के घर के नाम से मशहूर था। यहीं सोप्त 1809 में जन्मे थे। 1828 ईस्वी में 19 वर्ष की आयु में वे कला शिक्षा के लिए वियना गए, फिर इटली, फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड होते हुए म्यूनिख गए। 1835 ईस्वी में वे घर लौट आए, किंतु घर में रहने के बजाय उस होटल में रहने लगे जहां उनके चित्र बिक्री के लिए प्रदर्शित थे। वहां उनका एक लड़की से प्रेम हो गया, किंतु उनके माता पिता ने इस विवाह की अनुमति नहीं दी। सोप्त ने बुखारेस्ट जाकर विवाह कर लिया और उस प्रेमिका पत्नी के साथ 1836 में आजीविका की खोज में निकल पड़े। कुस्तुनतुनिया वर्तमान इस्तंबुल तथा अरब देशों की यात्रा करते हुए ईरान तथा अफगानिस्तान होते हुए भारत आ पहुँचे। 14 नवंबर 1841 को वे लाहौर में रुके। वहाँ के तत्कालीन शासक महाराजा शेर सिंह को उन्होंने एक सिख ग्रंथी का व्यक्ति चित्र बनाया जिससे वे उनकी यथार्थवादी कला से बहुत प्रभावित हुए। महाराजा शेर सिंह अत्यंत उदार थे। उन्होंने सोप्त से अनेक चित्र बनवाए और उन्हें बहुत सा पुरस्कार दिया। सोप्त ने अपनी इस कला के दौरान जो भी महत्वपूर्ण चित्र बनाए थे उनकी नकलें अपने पास रख ली थी जिनका उन्होंने स्वदेश लौटने पर प्रदर्शन किया। इनमें महाराजा शेर सिंह तथा लाहौर दरबार के चित्र भी थे। लाहौर दरबार का चित्र महाराजा शेर सिंह के उत्तराधिकारी महाराजा रणजीत सिंह के समय बनाया गया था। इस चित्र में 70 मुखाकृतियाँ पूर्ण सादृश्य लिए हुए चित्रित की गई हैं। महाराजा कोहिनूर का मुकुट पहने हैं। 1841 ईस्वी में ही सोप्त ने अमृतसर नगर का चित्रण किया। उन्होंने दरबार साहब का भी चित्र बनाया था। इसे बनाते समय एक दिन उनके दांतों के बीच ब्रश लगा हुआ था। सिख श्रद्धालुओं ने उसे सिगार समझकर सोप्त को पीटना आरंभ कर दिया। वे मरते मरते उस समय बचे थे। लाहौर से सोप्त दिल्ली आए और मुगल शासक बहादुर शाह का चित्र बनाया। वे आगरा भी गए और वहाँ के भी चित्र बनाए। आगरा से वे बनारस तथा कलकत्ता पहुँचे। कलकत्ता में उन्हें अपने देश का एक विद्वान मिल गया जिससे उनकी मित्रता हो गई। 1842 में सोप्त बम्बई पहुँचे। वहाँ मलाबार पहाड़ियों से बनाया गया उनका बम्बई का दृश्य बहुत प्रसिद्ध है। सोप्त भारत से अपार धन एकत्रित कर अपनी पत्नी के साथ बम्बई से एक जहाज़ पर सवार होकर मिस्र की ओर चले गए।
उन्होंने भारत से अनेक बहुमूल्य वस्तुएं भी एकत्रित कर ली थी। स्वदेश पहुंचकर सोप्त बिलासपुर जीवन व्यतीत करने लगे और अपव्यय करने लगे। धीरे धीरे उन पर आर्थिक तंगी आने लगी। परवश होकर 1863 ईस्वी में उन्हें अपना संग्रह बेचने को बाध्य होना पड़ा। हंगरी से वे लंदन चले गए और अपना अंतिम समय वहीं व्यतीत किया। 1880 ईस्वी में 71 वर्ष की आयु में लंदन के एक पागलखाने में उनकी मृत्यु हुई। इस समय के अन्य चित्रकार प्रायः व्यक्ति चित्रण में ही कुशल थे। दृश्य चित्रण के क्षेत्र में टॉमस डेनियल तथा विलियम डेनियल चाचा भतीजे ने ही अविस्मरणीय कार्य किया था। लिथोग्राफी के क्षेत्र में जॉर्ज चिन्नरी, विलियम सिंपसन तथा एडवर्ड लियर के नाम प्रमुख हैं। जनजीवन का चित्रण 19वीं सदी में जेम्स एटकिंसन ने भी पर्याप्त विवरणात्मकता से किया है। अगला टॉपिक है कंपनी शैली। 18वीं सदी के मुगल शैली के चित्रकारों पर उपरोक्त ब्रिटिश चित्रकारों की कला का बहुत प्रभाव पड़ा। उनकी कला में यूरोपीय तत्वों का बहुत अधिक मिश्रण हो गया और इस प्रकार जो नई शैली विकसित हुई उसे कंपनी शैली कहते हैं। कुछ विद्वानों ने इसे पटना शैली भी कहा, पर यह नाम ठीक नहीं है क्योंकि इस शैली का प्रभाव बंगाल से सिंध तक, पंजाब से महाराष्ट्र तक एवं नेपाल में भी था। इस शैली का प्रभाव अंग्रेजों और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ बढ़ा, अतः इसे कंपनी शैली ही कहना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में हुई थी, जिसने भारत से व्यापार करने का उद्देश्य बनाया था। इससे संबंधित जो ब्रिटिश अधिकारी भारत भेजे गए थे उन्होंने 17वीं सदी के आरंभ में सूरत, बंबई, अहमदाबाद और भड़ौच में व्यापारिक कोठियाँ बना ली। तत्पश्चात गोलकुंडा, मद्रास, उड़ीसा तथा बंगाल में भी कंपनी ने अपनी पैर जमा लिए और कोठियों के रूप में सुदृढ़ किलेबंदी भी कर ली। भारत के स्थानीय नरेशों से झगड़ा करके और फिर कूटनीतिक तरीकों से धीरे धीरे सत्ता हथिया कर अंत में 1857 ईस्वी में भारत के अधिकांश भागों का शासन सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया। राजाश्रय समाप्त हो जाने से कलाकार निराश्रित होकर इधर उधर भटकने लगे। इनमें से कुछ चित्रकार बड़े शहरों में जाकर बस गए। कुछ कलाकारों को ब्रिटिश अधिकारियों ने प्रोत्साहन दिया। ये कलाकार भारतीय जनजीवन तथा भारतीय दृश्यों के चित्र जल रंगों अथवा टेम्परा में बनाकर बेचा करते थे। अंग्रेज सैनिक, व्यापारी तथा अधिकारी इन चित्रों को सबसे अधिक खरीदते थे तथा इंग्लैंड में अपने परिवारजनों को भेजा करते थे और स्वयं भी इनसे मनोरंजन करते थे। 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में बंगाल में मुर्शिदाबाद से आकर कुछ कलाकार पटना में रहने लगे थे। उस समय पटना चित्रकला का कोई महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था और ये चित्रकार मुर्शिदाबाद में कठिनाइयों के कारण ही पटना आए थे। पटना, जिसे आजमाबाद कहते थे, में मुगल चित्रकार अंग्रेज संरक्षकों के हेतु 17वीं सदी में चित्रण करते रहे थे, किंतु वहाँ कोई स्थानीय शैली विकसित न हो सकी थी। मुर्शिदाबाद में 18वीं सदी में अनेक चित्रकार व्यक्ति चित्रण, दरबारी दृश्यों तथा रागमाला आदि के चित्रण में व्यस्त थे। सन 1756 ईस्वी में नवाब अली वर्दी खां की मृत्यु से मुर्शिदाबाद की कला को भी धक्का लगा। उसके जीवन काल में भी अफगानों तथा मराठों ने नदी पार करके शहर को लूटा था। उसके उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला सन 1756 से 57 तथा मीर जाफर सन 1757 से 61 के समय राज्य की दशा बहुत बिगड़ गई और चित्रकारों को नए आश्रय खोजने को बाध्य होना पड़ा। मिल्ड्रेड आर्चर का विचार है कि सन 1770 के लगभग ही ये कायस्थ चित्रकार पटना की ओर मुड़े, जो उस समय व्यापारिक समृद्धि पर था। यहाँ कंपनी की सुदृढ़ शासन व्यवस्था थी। पटना पहुंचकर इन चित्रकारों ने अपने नए आश्रयदाताओं की रुचि के अनुकूल भारतीय जीवन का चित्रण किया। विभिन्न जातियों, शिल्पियों, देसी वाहनों तथा यातायात के साधनों और भारतीय उत्सवों की चहल पहल और रंगीनी ने अंग्रेजों को पर्याप्त आकर्षित किया। यहाँ के एक चित्रकार सेवक राम, जिनका समय काल है सन 1770 से 1830 के बीच, से लॉर्ड मिंटो ने अनेक चित्र खरीदे थे। अंग्रेज अधिकारियों को बेचने के लिए चित्रकार उनके पास अपने चित्र ले जाते थे। ये चित्र प्रायः 8x6 इंच के आकार के कागज पर बने होते थे। बड़े चित्र 22x16 इंच तक के बनते थे। प्रायः जल रंगों का प्रयोग होता था और छाया के स्थान पर पहले सीपिया रंग का वास देकर बाद में स्थानीय रंग लगाया जाता था। रंगों में मुगल कला जैसी चमक नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुलास लाल को भी अपने यहाँ रखा था। उसने बांकीपुर में एक लिथो प्रेस भी लगाया था। जयराम दास इस कार्य में उसका विशेष सहायक था।
इस समय के अन्य चित्रकार झूमक लाल लगभग 1884 ईस्वी, तूनी लाल लगभग 1800 में तथा फकीर चंद लाल लगभग सन 1790 से 1865 के बीच थे, जो पटना के बाजार में कागज़ तथा अभ्रक के चौकोर टुकड़ों का चित्रण करते थे। फकीर चंद लाल के पुत्र शिवलाल, जिनका समय काल 1817 से 1887 के बीच के चित्र कलकत्ता तक बिकने जाते थे। वह कागज़ तथा हाथी दांत पर व्यक्ति चित्र भी बनाता था और 1850 से 70 के मध्य का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार था। शिवलाल का चचेरा भाई शिवदयाल भारतीय ढंग पर सपाट आकृतियों तथा चमकदार रंगों का प्रयोग करता था, जो भारतीयों को अधिक पसंद थे। मुकुंदलाल बनीलाल, जिनका समय काल है 1850 से 1901, ईश्वरी प्रसाद तथा गोपाल लाल यहाँ के अन्य चित्रकार थे। 19वीं सदी में बनारस में भी यह शैली बहुत जोरों से चल रही थी। महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह ने इसे संरक्षण दिया, जहां इसके प्रसिद्ध चित्रकार डल्लू लाल, लालचंद एवं गोपालचंद थे। राय कृष्णदास जी के अनुसार संभवतः ये आरा घराने के थे। यहां उस्ताद रामप्रसाद ने भी कंपनी शैली में चित्रांकन किया। केहर सिंह नामक एक सिख चित्रकार, जो श्री रंधावा के मत से संभवतः कपूरथला निवासी था, इस शैली में अमृतसर में कार्य करता था। उसने भिखारियों, गायकों, ज्योतिषियों, सपेरों आदि के अनेक चित्र अंकित किए। 1860 में भारत में कैमरे के प्रयोग से यह कला बहुत प्रभावित हुई। इसके अन्य केंद्र दिल्ली, लखनऊ, पुणे, सतारा, तंजौर एवं नेपाल आदि थे। कंपनी शैली की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, मुगल तथा यूरोपीय शैलियों के यथार्थवादी तत्वों का सम्मिश्रण तथा छाया प्रकाश द्वारा वास्तविकता लाने का प्रयत्न। दूसरा है, अधिकांश लघु चित्रों की रचना, जिनके हेतु कागज़ तथा हाथी दांत की पतली पतली परतों का प्रयोग आधार के रूप में हुआ है। छोटे आकार के कैनवास चित्र भी बने। तीसरा है, प्रायः छाया प्रकाश के द्वारा गठनशीलता अथवा उभार दिखाकर चित्र की खुलाई मुगल पद्धति की बारीक रेखाओं द्वारा की गई है तथा आभूषणों एवं वस्त्रों आदि के डिजाइन भी पर्याप्त बारीकी से बनाए गए हैं। चौथा है, प्रकृति चित्रण यथार्थवादी ढंग का किंतु अलंकारिक है। पांचवा है, प्रायः डेढ़ चश्म चेहरे बनाए गए हैं। छठा है, प्रायः प्रसिद्ध लोगों तथा आश्रयदाताओं के व्यक्ति चित्र और भारतीय जनजीवन का चित्रण ही इस शैली के प्रमुख विषय रहे हैं। धार्मिक चित्र भी अंकित हुए हैं। सातवां है, भारतीय लोगों के विभिन्न प्रकार की वास्तविक वेशभूषा तथा रहन सहन का चित्रण हुआ है। आठवां है, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर दृश्य चित्रण का प्रयत्न हुआ है। नौवां है, अंग्रेजी जल रंग पद्धति के आधार पर चित्रण तकनीक का विकास हुआ है। विदेशी लोग इस शैली में भारतीय पहनावे आदि के चित्र बनवा कर अपने देश को ले जाते थे। इनका आकार प्रायः पोस्ट कार्डों जैसा होता था। पंजाब में रणजीत सिंह के शासन के उपरांत सिख शैली भी लुप्त हो गई। उत्तरी भारत के कुछ खानदानी चित्रकार तंजौर चले गए। वहाँ 1867 ईस्वी तक वे अपना निर्वाह करते रहे। अगला टॉपिक है, बंगाल का आरंभिक तैल चित्रण। 18वीं सदी में बंगाल में जो तैल चित्रण हुआ, उसे डच बंगाल शैली कहा जाता है। इससे स्पष्ट है कि यह माध्यम डच कलाकारों से बंगला कलाकारों ने सीखा था। आरंभ में यह चिनसुरा चंद्रनगर कलकत्ता में प्रयुक्त किया गया। इस समय इसकी सामग्री भी विदेशों से मंगाई जाती थी। 18वीं सदी उत्तरार्ध से इस माध्यम में भारतीय विषयों का चित्रण होने लगा। संभवतः इसका प्रभाव कालीघाट की पट चित्रकला पर भी पड़ा। आरंभ में धार्मिक विषयों के चित्रण को संरक्षकों का प्रोत्साहन मिला। अंग्रेजों की जीवन पद्धति की नकल करने वाले भारतीय नरेश तथा अधिकारी अपने घरों को मिलाकर एक शब्द बना अथवा रोमांटिक शैलियों के चित्रों से सजाते थे। यद्यपि उस समय भारत में कुछ ब्रिटिश चित्रकार भी कार्य कर रहे थे, पर बंगला कलाकारों पर उनका प्रभाव नहीं पड़ा। इनकी शैली का प्रधान तत्व भारतीय ही रहा। इन चित्रों का आकार यूरोपीय तैल चित्रों की भांति बड़ा नहीं है। रंग योजनाओं तथा छाया प्रकाश आदि में भी यूरोपीय तकनीक का अनुकरण नहीं है, केवल कहीं कहीं यूरोपीय विधियों का प्रयोग हुआ है, जैसे दूरगामी परिप्रेक्ष्य के नियमों का यथार्थवादी ढंग से पालन तथा देवी देवताओं के चित्रण में मानवीय भावना का पुट। ये चित्र तीन प्रकार के विषयों के हैं। पहला है भारतीय देवी देवताओं के चित्र, दूसरा वर्णात्मक विषयों तथा घटनाओं के चित्र तथा तीसरा है व्यक्ति चित्र एवं जनजीवन के चित्र। देवी देवताओं में दुर्गा के चित्र अधिक बने, काली तथा अन्नपूर्णा का भी अंकन हुआ। द्वितीय प्रकार के चित्रों में पौराणिक घटनाओं का अंकन अधिक किया गया।
तीसरे प्रकार में व्यक्ति चित्रों के अतिरिक्त प्राकृतिक दृश्य आदि का अंकन हुआ। इन चित्रों का केवल माध्यम ही तैल था, अन्य बातों में ये भारतीय परंपरागत पद्धतियों का प्रयोग करते थे। प्रायः सपाट रंग भरकर बाह्य सीमा रेखा का भी अंकन किया जाता था, केवल मोटा मोटा छाया प्रकाश अंकित किया जाता था। भारतीय पद्धति तथा मान्यताओं के अनुसार ही रंगों, परिधानों एवं पृष्ठभूमि का अंकन किया जाता था। कहना ना होगा कि भारत में तैल चित्रण का आरंभ इसी विधि से हुआ। अब बात करते हैं राजा रवि वर्मा पर। राजा रवि वर्मा का काल 1848 से 1906 के बीच रहा। रवि वर्मा का जन्म केरल के किली मनूर नामक ग्राम में अप्रैल सन 1848 ईस्वी में हुआ था। यह कोट्टायम से 24 मील दूर है। वे राजकीय वंश के थे और त्रावणकोर त्रिवांकुर के प्राचीन राज परिवार से संबंधित थे। उनके चाचा को चित्रकला का बड़ा शौक था, उन्हीं के कारण रवि वर्मा की भी रुचि इस ओर बढ़ी। आरंभ में उन्होंने तंजौर शैली के चित्रकार अलागिरी नावडी से कला की शिक्षा प्राप्त की, जो त्रिवेंद्रम के महाराजा द्वारा दरबार में लाए गए थे। रवि वर्मा जब 14 वर्ष के हुए तो तत्कालीन राजकीय चित्रकार रामास्वामी नायडू से कला का अध्ययन किया। 1866 ईस्वी में उन्होंने वहां की महारानी लक्ष्मीबाई की छोटी बहन से विवाह किया। 1868 ईस्वी में महाराजा ने थियोडोर जेंसन नामक एक ब्रिटिश चित्रकार को दरबार में आमंत्रित किया। महाराजा के द्वारा कहने पर उन्होंने भी रवि वर्मा को यूरोपीय तकनीकी शिक्षा दी। रवि वर्मा ने उसे बड़े मनोयोग से सीखा। विवाह के द्वारा राजकीय परिवार से संबंधित होने के कारण रवि वर्मा स्थानीय ब्रिटिश रेजिडेंट के संपर्क में आए, जिन्होंने मद्रास में सन 1873 ईस्वी में हो रही चित्र प्रदर्शनी में भाग लेने हेतु रवि वर्मा को प्रोत्साहित किया। बकिंगम के ड्यूक ने, जो उस समय मद्रास के गवर्नर थे, रवि वर्मा से अनेक चित्र खरीदे। जब प्रिंस ऑफ वेल्स सन 1875 में त्रिवेंद्रम आए तो वहाँ के महाराजा ने रवि वर्मा के चित्र उन्हें भेंट किए। 1880 ईस्वी की पुणे प्रदर्शनी और 1892 की वियना तथा शिकागो की कला प्रदर्शनियों में भी उनके चित्रों की प्रशंसा हुई। बड़ौदा तथा मैसूर के महाराजाओं ने अपने यहाँ उनसे अनेक चित्र बनवाए। धीरे धीरे उनके चित्रों की इतनी मांग बढ़ी कि उसे पूरा करना कठिन हो गया। बड़ौदा के तत्कालीन दीवान राजा सर माधव राव के परामर्श से राजा रवि वर्मा ने पुणे में एक मुद्रालय स्थापित किया, जिसे लिथोग्राफी के नाम से जाना जाता है, जिसके कारण उनके चित्र प्रत्येक भारतीय हिंदू के घर में पहुंच गए। इसके पश्चात किली मनूर में रहते हुए वे जीवन के अंतिम क्षणों तक चित्र बनाते रहे। 1 अक्टूबर सन 1906 को उनका देहावसान हो गया। रवि वर्मा की कला। रवि वर्मा ने चित्रकला की शिक्षा थियोडोर जेंसन नामक यूरोपीय चित्रकार से प्राप्त की थी। उनके दूसरे शिक्षक मदुरै के अलागिरी नायडू, जो त्रिवांकुर के महाराजा के आश्रम में यूरोपीय शैली में काम करने वाले कुशल चित्रकार थे। रवि वर्मा के चित्र बहुत लोकप्रिय हुए। इस लोकप्रियता का कारण चित्रों का धार्मिक होना था। रवि वर्मा तथा यूरोपीय शैली में काम करने वाले अन्य भारतीय चित्रकारों का काम कभी भी कला की दृष्टि से बहुत ऊँचा नहीं बन पड़ा। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी का कथन है कि रवि वर्मा की अच्छी से अच्छी कृतियाँ भी दूसरी श्रेणी के ऊपर नहीं उठ सकी हैं। फिर भी यूरोपीय प्रभाव ने भारतवासियों को ऐसा चकाचौंध कर दिया था कि उनकी त्रुटियों की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। अनेक राजा महाराजाओं ने उनकी कृतियों से अपने महल सजाए। श्रेष्ठ कलाकृतियाँ न होते हुए भी यूरोपीय कला शैली के प्रचार के उद्देश्य से अनेक अधिकारियों ने उन्हें बढ़ावा दिया। वे किसी ऐसी मौलिक शैली के विकास में असमर्थ रहे जिसे भारतीय कहा जा सके और अन्य कलाकार उसकी परंपरा का अनुकरण कर सके। रवि वर्मा की आलोचना में यह कहा जाता है कि उनके चित्र नाटकीय हैं। यह बात बहुत अंशों तक सही भी है। रवि वर्मा पर तत्कालीन नाटक मंडलियों का प्रभाव पड़ा था। उन्होंने प्राचीन वेशभूषाओं की खोज की थी और उत्तर भारत का भ्रमण भी किया था, किंतु अपनी खोज में वे सफल नहीं हुए थे। अतएव उन्होंने तत्कालीन लोक जीवन तथा नाटक मंडलियों से प्रेरणा ग्रहण की और बहुत कुछ उसी आधार पर प्राचीन देवी देवताओं तथा पुराणों से संबंधित चित्र बनाए। रवि वर्मा का प्रयास व्यक्तिगत था, पाश्चात्य विचारधारा उन पर हावी थी, फिर भी उनके प्रयत्नों की अवहेलना की जा सकती।
उन्होंने हमारा ध्यान अतीत के आदर्श महापुरुषों की ओर आकर्षित किया। वे धार्मिक होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय विचार वाले थे, इसलिए उन्होंने भारतीय विचारधारा और पश्चिमी शैली के समन्वय से एक नवीन स्वरूप की संभावना व्यक्त की थी। क्या आज भी अनेक भारतीय चित्रकार भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैलियों में अंकित नहीं कर रहे हैं? किंतु फिर भी उनकी कला ऐसी नहीं है जिस पर भारतवासी गर्व कर सके। उनके चित्रों को मुद्रित कर देने से भी उनकी कला का स्तर गिरा है, क्योंकि उस समय के छापेखाने की स्थिति के अनुसार ये मुद्रित चित्र बहुत अच्छे नहीं हैं। फिर भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि उन्होंने मुद्रित चित्रों का एक आरंभिक स्तर निर्धारित किया और उसी के आधार पर भारतीय कैलेंडर नाम का विकास हुआ है। रवि वर्मा को काव्यमयी कल्पना से शून्य कहा जाता है, पर बंगाल के भी अनेक कलाकारों की कृतियाँ अति भावुकतापूर्ण हैं, कवित्वपूर्ण कल्पना से युक्त नहीं। रवि वर्मा तथा बंगाल के पुनरुत्थान काल के कलाकारों की कला आज अप्रासंगिक हो गई है, अतः रवि वर्मा की कला का मूल्यांकन उन्हीं के युग के परिप्रेक्ष्य में करना होगा। जब रवि वर्मा ने चित्रांकन आरंभ किया था तब मुगल तथा राजपूत शैलियों का पतन हो चुका था। दिल्ली, लखनऊ, पटना तथा तंजौर आदि में पतित और शंकर शैलियाँ प्रचलित हो गई थी। जब रवि वर्मा ने चित्रांकन आरंभ किया था तब मुगल तथा राजपूत शैलियों का पतन हो चुका था। दिल्ली, लखनऊ, पटना तथा तंजौर आदि में पतित और शंकर शैलियां प्रचलित हो गई थी। उन्होंने तंजौर में ही चित्रांकन आरंभ किया था, अतः भारतीय कला क्षेत्र में तैल माध्यम के वे अग्रदूत के रूप में सामने आते हैं। जहाँ तक विषय वस्तु का संबंध है, बंगाल का पुनरुत्थान आंदोलन देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के उग्र वातावरण के मध्य उत्पन्न हुआ था, अतः भारत के अतीत के लिए उसमें एक स्वाभाविक श्रद्धा थी। किंतु रवि वर्मा उससे पहले के युग के हैं। उस समय अंग्रेजी साहित्य और सभ्यता का भूत बुरी तरह मानवीय सामंत वर्ग पर सवार था। ऐसे वातावरण में भारत के प्राचीन विषयों को लोकप्रिय बनाने का सराहनीय कार्य रवि वर्मा ने किया था। रवि वर्मा पर केरल की साहित्यिक परंपराओं का प्रभाव था, जिनमें सुंदर, हृष्टपुष्ट, शहरी कुलीन नायिका के आदर्श पर साहित्य रचना की जाती थी। यही आदर्श रवि वर्मा की शकुंतला आदि नारी आकृतियों में प्रकट हुआ है। केरल के जो नारी सौंदर्य के प्रतिमान हैं वे बंगाल के नहीं हो सकते। रवि वर्मा ने यूरोपीय अकादमिक पद्धति को अपने ढंग से बदला भी है। उनके संयोजन बहुत सुंदर है और उनमें लयात्मकता है। सुकेशी, श्री कृष्ण और बलराम, सागर मानभंग, रावण, सीता और जटायु, मत्स्यगंधी, शकुंतला, इंद्रजीत की विजय, हरिश्चंद्र, फल बेचने वाली, गरीबी, चांदनी में सुंदरी, हंसदूत, मोहिनी रुक्मांगद, केरल सागर तट, उदयपुर दुर्ग आदि उनके कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं। इनके अतिरिक्त उन्होंने भारत के अनेक राजा महाराजाओं तथा सामंतों के व्यक्ति चित्र अंकित किए और स्वर्ग तथा नरक के दृश्यों का भी अंकन किया। भारत में कला के प्रति सरकारी प्रयास। सन 1857 ईस्वी की क्रांति के असफल हो जाने से अंग्रेजों की शक्ति बढ़ गई और भारत के अधिकांश भागों पर ब्रिटिश शासन थोप दिया गया। भारत के अनेक संस्थानों को भी अंग्रेजों ने अपने हाथों में ले लिया। पश्चिमी कला की शिक्षा देने के लिए कुछ बड़े शहरों में कला विद्यालय स्थापित किए गए, जहां यूरोपीय शिक्षकों के निर्देशन में भारतीय विद्यार्थियों को कला एवं शिल्प सिखाए जाने लगे। इनका आदर्श लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स के अनुरूप रखा गया। इन विद्यालयों ने धीरे धीरे जनरुचि को प्रभावित करना आरम्भ कर दिया, किंतु इन्हीं कला विद्यालयों में आगे चलकर भारतीय कला के प्रशंसक शिक्षक तथा विद्यार्थी आए, जिनके कारण इनमें प्रचलित पाठ्यक्रमों में भी समय समय पर परिवर्तन किए गए। पहला विद्यालय था मद्रास कला विद्यालय। यह विद्यालय 1850 ईस्वी में मद्रास रेजिमेंट के शल्य चिकित्सक डॉक्टर एलेक्जेंडर हंटर द्वारा स्थापित किया गया, जिसे 1852 ईस्वी में सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। 1876 ईस्वी में इसे वास्तुशिल्पी कार्यशाला में बदल दिया गया। 1884 ईस्वी में श्री ई.बी. हैवेल इसके प्रधान शिक्षक नियुक्त हुए। इसके पाठ्यक्रम में भारतीय पद्धति के चित्रांकन का समावेश किया गया। यहाँ तैल माध्यम में जो चित्रण किया जाता था वह यथार्थवाद और प्रभाववाद के मिश्रित रूप स्वरूप जैसा था। दक्षिण भारत में वास्तुशिल्प, मूर्तियों के तक्षण तथा ढलाई की जो समृद्ध परंपरा थी, उसके कारण दक्षिण भारत के शिल्पियों को इस विद्यालय से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। सन 1929 ईस्वी में यहाँ देवी प्रसाद राय चौधरी प्रधानाचार्य नियुक्त किए गए।
वे अवनींद्रनाथ के संपर्क में रहे थे और उनके अनुगामी भी थे। बंगाल शैली में वे पारंगत थे, किंतु मूर्ति रचना उनका प्रिय क्षेत्र था। मद्रास कला विद्यालय में एक तो उन्होंने पाठ्यक्रम में पूर्वी कला शैलियों का समावेश किया, दूसरे कला विद्यालय की शिक्षा में आधुनिक तत्वों को भी जोड़ दिया। परिप्रेक्ष्य की परंपरागत पद्धति तथा प्राचीन कृतियों की अनुकृति के स्थान पर जीवित मॉडल से स्केच तथा चित्रांकन पर उन्होंने बल दिया। आज भी यह विद्यालय इस प्रकार के पाठ्यक्रम की प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान है। अगला कला विद्यालय है कलकत्ता कला विद्यालय। इस कला विद्यालय की स्थापना 1854 ईस्वी में चित्रकला तथा मृत्तिका आकृति रचना क्ले मॉडलिंग की शिक्षा देने के लिए की गई थी। कुछ समय पश्चात उत्कीर्णन यानी एनग्रेविंग, अमलांकन यानी एचिंग तथा अश्वमुद्रण यानी लिथोग्राफी का भी पाठ्यक्रम आरंभ किया गया। यहाँ के आरंभिक शिक्षक रिगार्ड, एग्यार तथा फाउलर आदि थे। तदुपरांत यहाँ रेखांकन यानी ड्राइंग को एक स्वतंत्र विषय के रूप में समाविष्ट किया गया। 1864 में सरकार ने इसे अपने हाथों में लिया। 1876 ईस्वी में यहाँ एक कला विधि का आरंभ हुआ। इसमें ब्रिटिश चित्रकारों से क्रय किए गए दृश्य चित्र, स्मारकों के चित्र तथा भारतीय जनजीवन की विविध झांकियाँ एवं वेशभूषा के चित्र तथा अभियांत्रिक रेखाचित्र, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स प्रदर्शित किए गए। 1885 ईस्वी में भारतीय पद्धति के भित्ति चित्रण का शिक्षण भी आरंभ किया गया, किंतु वह लोकप्रिय नहीं हो सका। श्री ए वी हैबेल, जो मद्रास में थे, 6 जुलाई 1896 में स्थानांतरित होकर कलकत्ता आए। मद्रास में रहकर दक्षिण भारत के परंपरागत शिल्प के वैभव का उन्होंने अनुभव किया था, अतः उन्हें कलकत्ता कला विद्यालय के विदेशी पाठ्यक्रम को देखकर निराशा हुई। उन्होंने कहा कि यहाँ आकार कल्पना यानी डिजाइनिंग पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता, जो समस्त कला की नींव है, बल्कि यहाँ इंग्लैंड के प्रादेशिक विद्यालयों की 40 वर्ष पुरानी निकृष्ट परंपरा अपनाई जा रही है और पूर्वी कला की उपेक्षा करके भारतीय कला विद्यार्थियों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। श्री हैवेल ने सर्वप्रथम कला विधि के चित्रों को बदल दिया, फिर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन से आज्ञा लेकर यूरोपीय चित्र बेच दिए गए और नेपाल के पीतल के कलात्मक पात्र, अजंता के चित्रों की अनुकृतियाँ तथा मुगल शैली के लघु चित्र संकलित कर भारतीय चित्र विधि की स्थापना की। इन प्रयत्नों से प्रभावित होकर अवनींद्रनाथ ठाकुर उनके संपर्क में आए। श्री हैवेल ने अवनी बाबू को कलकत्ता कला विद्यालय में अपने सहयोगी के रूप में आमंत्रित किया और 1898 में उन्हें उप प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त करा दिया। 1905 से 1915 तक वे प्रधानाचार्य रहे। भारत की स्वतंत्रता के लिए चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन तथा जापानी दार्शनिक ओकाकुरा के विचारों से प्रभावित होकर अवनी बाबू ने भारत के साथ साथ चीन तथा जापान की कलाओं के अध्ययन को भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लिया और भारतीय परंपरागत चित्रण पद्धति की शिक्षा देने के लिए पटना के चित्रकार ईश्वरी प्रसाद को तथा जयपुर से भित्ति चित्रकारों को आमंत्रित किया। श्री अवनींद्रनाथ के इन प्रयत्नों से अनेक प्रतिभाशाली युवक उनकी ओर आकर्षित हुए और उनके शिष्य बन गए। ये शिष्य थे नंदलाल बसु, सुरेंद्रनाथ कर, वीरेश्वर सेन, सुधीर खास्तगीर, कनु देसाई, मनीषी डे, शैलेंद्रनाथ डे, समरेंद्रनाथ गुप्त, हकीम मोहम्मद खां, समी उजमा, शारदा चरण उकील तथा नागहट आदि। यहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर ये शिष्य भारत भर में फैल गए और बंगाल शैली का प्रचार करने लगे। इस प्रकार कलकत्ता कला विद्यालय भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गया, किंतु अवनी बाबू के पश्चात श्री पर्ची ब्राउन ने पुनः यहाँ का पाठ्यक्रम लंदन की रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट की पद्धति पर आधारित कर दिया। अगला विद्यालय है बम्बई कला विद्यालय। सन 1857 ईस्वी में बम्बई के एल्फिस्टोन इंस्टीट्यूशन में प्रसिद्ध पारसी उद्योगपति सर जमशेद जी भाई टाटा के उदार अर्थदान से 2 मार्च को कला की कक्षाएं आरंभ की गई, जिनमें डिजाइन तथा उत्कीर्णन का पाठ्यक्रम सम्मिलित किया गया और शिक्षण एक नवीन भवन में स्थानांतरित कर दिया गया। सन 1866 में अलंकारिक चित्रण, मॉडलिंग, लोहे के जालीदार काम का पाठ्यक्रम भी आरंभ हो गया। 1878 में एक नवीन भवन निर्मित किया गया और 1879 ईस्वी में ड्राइंग विषय अपने संपूर्ण पाठ्यक्रम के साथ सिखाया जाने लगा। अगला कला विद्यालय है बम्बई कला विद्यालय। सन 1857 ईस्वी में बम्बई के एल्फिंस्टोन इंस्टीट्यूशन में प्रसिद्ध पारसी उद्योगपति सर जमशेद जी रतन भाई टाटा
के उदार अर्थदान से 2 मार्च को कला की कक्षाएं आरंभ की गई, जिनमें डिजाइन तथा उत्कीर्णन का पाठ्यक्रम सम्मिलित किया गया और शिक्षण एक नवीन भवन में स्थानांतरित कर दिया गया। सन 1866 में अलंकारिक चित्रण, मॉडलिंग तथा लोहे के जालीदार काम का पाठ्यक्रम भी आरंभ हो गया। 1878 ईस्वी में एक नवीन भवन निर्मित किया गया और 1879 में ड्राइंग विषय अपने संपूर्ण पाठ्यक्रम के साथ सिखाया जाने लगा। 1891 में कला की कार्यशालाएं आरंभ की गई। कला शिक्षकों के प्रशिक्षण की कक्षाएं 1910 में खोली गई। 1914 में यहां वास्तुशिल्प का भी शिक्षण आरंभ हुआ। 1936 के पश्चात यहां व्यावसायिक कला का भी पाठ्यक्रम चालू किया गया। सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से यह कला विद्यालय सर्वत्र विख्यात है। आरंभ में यहां इंग्लैंड से ही शिक्षक बुलाए जाते थे। सर्वप्रथम यहां लॉकवुड किपलिंग प्रधानाचार्य बने। श्री सिसिल बर्न के समय 1900 ईस्वी में यहां इंग्लैंड की कला शिक्षण एवं परीक्षा पद्धति लागू हुई। इनके पूर्व 1880 में श्री ग्रिफिथ्स के समय यहां साउथ केंसिंगटन कला विद्यालय इंग्लैंड के आधार पर शिक्षण की रूपरेखा बनाई गई। 1919 में श्री ग्लेडस्टोन सोलोमन के द्वारा कार्यभार संभालने के उपरांत यहां ब्रिटिश कला की आभिजात्य शैली को शिक्षण का आधार बनाया गया। इस प्रकार उनके समय शुद्ध तथा अनुपातपूर्ण रेखांकन, रंगों के विभिन्न बलों का सही मिश्रण, माध्यम और सामग्री का पूर्ण कुशलता सहित उपयोग, जीवित रूपों का अध्ययन आदि विशेष महत्वपूर्ण हो गया। यह सब बाह्य आकृति सादृश्य पर आधारित था। उनके सहायक चार्ल्स जेराड 1936 ईस्वी में प्रधानाचार्य बने, जिन्होंने यूरोप में प्रचलित आधुनिक कला शैलियों से भी विद्यार्थियों को परिचित कराया और प्रभाववादी शैलियों में चित्रांकन प्रारंभ किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यहाँ पाठ्यक्रमों में सुधार किया गया और भारतीय कला की अलग कक्षाएं इंडियन डिजाइन क्लास के रूप में आरंभ की गई। अगला कला विद्यालय है मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर। सन 1875 ईस्वी में इस कला विद्यालय की आरंभ अलंकारी तथा उपयोगी कलाओं की उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करने के लिए किया गया था। यहाँ मुख्य रूप से काष्ठ शिल्प, वास्तुशिल्प, तांबे की कलाकृतियों तथा सजावटी उपकरणों की ढलाई और अभियांत्रिकी की शिक्षा दी जाती थी। पंजाब में उस समय प्रचलित सिख शैली में भी अलंकरण पद्धति का बहुलता था। अवनी बाबू के शिष्य समरेंद्र नाथ गुप्त के प्रधानाचार्य बनने से यहाँ बंगाल शैली का प्रभाव बढ़ा, जिसमें अवनी बाबू के ही एक अन्य शिष्य चित्रकार मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगदई ने एक विशिष्ट शैली का विकास किया जो अत्यंत आकर्षक है, साथ ही अलंकारपूर्ण भी। कुछ समय पश्चात इस विद्यालय के पाठ्यक्रम में से शिल्पों को हटाकर इसे पूर्ण रूप से ललित कला विद्यालय का रूप दे दिया गया। अगला कला विद्यालय है लखनऊ कला विद्यालय। सन 1911 ईस्वी में लखनऊ में कला तथा शिल्प विद्यालय की स्थापना की गई। इसमें व्यावसायिक कला, वास्तुशिल्पी मानचित्रांकन तथा रेखा चित्रांकन, आत्म मुद्रण आदि की शिक्षा के साथ साथ सुवर्ण एवं लौह की ढलाई, धातुशिल्प, काष्ठ शिल्प, मिट्टी के खिलौने बनाने तथा औद्योगिक कलाओं के हेतु नवीन डिजाइन तैयार करने की शिक्षा भी दी जाती थी। प्रथम प्रिंसिपल के रूप में एक अंग्रेज श्री नेटहार्ड की नियुक्ति की गई। 1925 ईस्वी में श्री असित कुमार हल्दर यहाँ के प्रधान शिक्षक बने, जो अवनी बाबू के शिष्य थे। उन्होंने भारतीय कला को प्रमुख महत्व देने की दृष्टि से विद्यालय की शिक्षा पद्धति में सुधार किया, साथ ही कला शिक्षकों के प्रशिक्षण, मीनाकारी, बहुरंगी मुद्रण तथा मूर्तिकला विभागों की स्थापना करके विद्यार्थियों के लिए रोजगार के नए क्षेत्र भी प्रशस्त किया। चित्रकला के क्षेत्र में यूरोपीय पद्धति की मॉडल विधि तथा दृश्य के साथ साथ बंगाल शैली की वास पद्धति में भारतीय विषयों का समावेश किया गया। ब्रिटिश सरकार के इन प्रयासों के बावजूद भारतीय कला और शिल्प के स्तर में निरंतर गिरावट आती गई, क्योंकि इन कला विद्यालयों के शिक्षक अंग्रेज थे, जो अपने देश की कला शिक्षण पद्धति के अथवा अपनी व्यक्तिगत रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम बनाते, जो न तो भारतीय वातावरण के अनुकूल और न ही यहाँ की परंपरागत कला पद्धतियों के अनुरूप थे। यहाँ शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को दृश्य चित्रण अथवा व्यक्ति चित्रण के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध नहीं थे। इन विद्यालयों में सिखाई जाने वाले ब्रिटिश कला शैली का स्तर भी बहुत निम्न था, क्योंकि स्वयं ब्रिटेन में इस समय कला की परंपरा मृत प्रायः हो चुकी थी और प्राचीन कला शैलियों का केवल पृष्ठपोषण ही हो रहा था। अगला कला विद्यालय है कला महाविद्यालय इंदौर।
मध्य प्रदेश के इंदौर नगर का कला महाविद्यालय प्रारंभ से ही कला जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। सन 1904-5 में यहाँ एक उच्च शाला हाई स्कूल में कला की कक्षाएं आरंभ हुई। 1927 ईस्वी में स्कूल ऑफ आर्ट को स्वतंत्र रूप मिला, जो अब कला महाविद्यालय के नाम से विख्यात है। इस संस्था का एक अन्य नाम चित्रकला मंदिर भी है। इस संस्था के आरंभिक शिक्षक श्री दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कला के शिक्षण और सृजन के लिए समर्पित कर दिया था। उनके शिष्यों में नारायण श्रीधर बेंद्रे, देव कृष्ण जटाशंकर जोशी, मनोहर श्रीधर जोशी, विष्णु सिंचालकर, हजारनीश, साले गांवकर, देवयानी कृष्ण, लक्ष्मी शंकर राजपूत तथा मकबूल फिदा हुसैन आदि प्रमुख हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। इस संस्था के अन्य लब्ध प्रतिष्ठित कलाकार हैं कमल कृष्ण, श्रेणिक जैन, आर के दुबे, एम डी साखड़कर, बसंत चिंच बड़कर, मीरा गुप्ता, गजेंद्र, इस्माइल बेग तथा नलिनी चौसालकर आदि थे। यहाँ जिन छात्रों ने कला की शिक्षा प्राप्त की, उनमें से अधिकांश ने आकृति चित्रण की आधार भूमि को बनाए रखते हुए तथा पश्चिमी आधुनिक कला आंदोलनों की मूल विचारधाराओं को आत्मसात करते हुए अपनी शैलियों का विकास किया और अपनी कला शैली में क्रमशः परिवर्तन भी किया। यह परिवर्तन कहीं युग की और कहीं कलाकारों की निजी मानसिकता की आवश्यकता के अनुरूप हुआ है। अब बात करते हैं दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर, जिनका समय काल है 1894 से 1978। दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर का जन्म 1894 ईस्वी में हुआ था और ये दत्तू भैया के नाम से प्रसिद्ध थे। वे जीवन भर कला की साधना में लगे रहे और अपना अधिकांश समय छात्रों की कलात्मक प्रतिभा के विकास में लगाया। श्री देवलालीकर मुख्य रूप से बम्बई कला विद्यालय की परीक्षाओं के लिए छात्रों की तैयारी कराते थे, अतः उनकी कला बंगाल शैली से पूर्णतः पृथक थी और बम्बई की पश्चिमी पद्धति पर आधारित पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं को पूरा करती थी। इसमें न बंगाल शैली के धूमिल रंग थे, न अस्पष्ट रेखाएं और न कृशकाय आकृतियां। टेम्परा अथवा तैल माध्यम में किया गया उनका कार्य पश्चिमी कला जगत के आधुनिक अंदाज को पकड़ने का आरंभिक प्रयत्न था। देवलालीकर ने 1927 ईस्वी में स्कूल ऑफ आर्ट इंदौर में कला शिक्षक का पद संभाला। आरंभ में उन्हें अनेक कठिनाइयां उठानी पड़ी। कला विद्यालय में वे हाई स्कूल की पेंटिंग की कक्षाएं लेते थे और हाई स्कूल के समय के बाद बम्बई की ड्राइंग की एलिमेंट्री तथा इंटरमीडिएट ग्रेड की विशेष कक्षाएं लगाते थे। स्कूल ऑफ आर्ट में उस समय उन्हें केवल 2 कमरे ही मिले हुए थे, अतः वे कुछ कक्षाएँ बाहर छत्री बाग आदि में भी लगाते थे। प्रातःकाल सूर्योदय के समय के प्रकाश में वे दृश्य चित्रण, दोपहर बाद स्टील लाइफ आदि सिखाते थे। बदलते हुए प्रकाश की चमक और रंगों के अध्ययन पर वे विशेष बल देते थे और कभी कभी तो रात में भी चित्रण कराते थे। इससे छात्रों को रंग की विभिन्न विशेषताओं तथा प्रभावों का बहुत अच्छा ज्ञान हो जाता था। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात भारत में प्रभाववाद ने कला के क्षेत्र में बड़ी हलचल मचा दी थी। देवलालीकर जी ने भी आधुनिक चित्रकला की एकेडमिक प्रभाववादी तथा अति यथार्थवादी कला की पुस्तकें मंगवाई और छात्रों को इन आंदोलनों की विशेषताओं की विधिवत शिक्षा दी। जब उनके विद्यार्थी परीक्षा देने बम्बई जाते तो संरक्षक की भांति देवलालीकर भी उनके साथ बम्बई जाते। अपने विद्यार्थियों को कला के विविध आंदोलनों तथा शैलियों की शिक्षा देने के बावजूद देवलालीकर स्वयं प्रभाववाद से ही कुछ प्रभावित थे। उन्होंने अधिकांश धार्मिक चित्र भी बनाए जो कल्याण आदि में छपते थे। इन चित्रों में यद्यप आकृतियां आलंकारिक है, तथापि रंग योजनाओं में वातावरण का सूक्ष्म प्रभाव दिया गया है, जिसके कारण रंगों के बल परस्पर प्रभावित हुए हैं। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा छपे गए बीके मित्रा, टीके मित्रा, भगवान तथा जगन्नाथ आदि चित्रकारों की कृतियों से ये अस्पष्टता भिन्न है और तुरंत पहचान में आ जाते हैं। देवलालीकर के बनाए हुए व्यक्ति चित्र भी उत्तम कोटि के हैं। उन्होंने बजाजवाड़ी में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चित्र भी अंकित किया था, किंतु उनका सर्वोत्तम व्यक्ति चित्र बैरिस्टर अभ्यंकर का है। उनका पेंसिल का रेखांकन भी अद्वितीय था। श्री देवलालीकर का अंतिम समय पर्याप्त कष्ट से व्यतीत हुआ। वे एक बहुत साधारण बस्ती में अपने पुत्र राजा भाव के साथ नागपुर में रहने लगे थे। कुछ समय पश्चात उन्होंने नागपुर भी छोड़ दिया था, किंतु देश की कलात्मक गतिविधियों से वे बेखबर नहीं रहते थे और दिल्ली में आयोजित त्रिनाले अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों से लेकर
विशिष्ट चित्रकारों से भी निरंतर संपर्क बनाए रखते थे। अपना अंतिम समय उन्होंने दिल्ली में एकांत और अज्ञातवास में व्यतीत किया और दिल्ली में ही 1978 में उनकी मृत्यु हुई। देवलालिकर आज इस संसार में नहीं है, किंतु एक सच्चे गुरु की भांति उन्होंने अपने विद्यार्थियों को सदैव प्रोत्साहित किया। शैली तथा प्रयोगशीलता संबंधी उनकी अपनी सीमाएं भी थी, इसलिए वे प्रतिभावान छात्रों को बंबई चले जाने का परामर्श देते थे। उन्हीं के आरंभिक छात्रों में से अनेक बंबई जाकर आज अंतर्राष्ट्रीय कला जगत में अपना कीर्तिमान बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं बंबई आर्ट सोसाइटी। बंबई आर्ट सोसाइटी भारत में पश्चिमी कला के प्रोत्साहन के लिए अंग्रेजों ने बंबई में सन 1888 ईस्वी में एक आर्ट सोसाइटी की स्थापना की। श्री फॉरेस्ट इसके संस्थापक सचिव थे, जो कि 1891 तक इस पद पर रहे। इस सोसाइटी का मुख्य कार्य भारत में फैले हुए यूरोपियन शौकिया कलाकारों के कार्य को प्रकाश में लाना था। इस सोसाइटी ने अपनी कला प्रदर्शनियों के द्वारा प्रायः अंग्रेजी शासन और अंग्रेजी सेना के अधिकारियों को ही पुरस्कृत किया। यह प्रवृत्ति 1924 से 25 ईस्वी तक चलती रही। आरंभ में तो केवल अंग्रेज जाति के कलाकारों के ही प्रोत्साहन दिया जाता था, पर बाद में कला विद्यालयों के छात्रों को भी प्रोत्साहित किया जाने लगा। यहाँ घटिया यूरोपीय चित्रकार, यहाँ तक कि कंपनी शैली में काम करने वाले भी अच्छे इनाम पा जाते थे। आरंभिक आधुनिक भारतीय चित्रकारों में पुरस्कार पाने वालों में से कुछ हैं धुरंधर, रुस्तम सिसौदिया, एस डी सातवलेकर, अबलाल रहमान, रविशंकर रावल, पेस्तन जी बोमन जी, बाबूराम मिस्त्री, जे एम अहिवासी, एम आर अचरेकर, एन एन हल्दंकर, के बी चूडेकर, आर डी धोपेश्वरकर तथा ए भोंसले थे। अगला टॉपिक है मिश्रित यूरोपीय पद्धति के राजस्थानी चित्रकार। इस समय यूरोपीय कला से राजस्थान भी प्रभावित हुआ। 1851 में विलियम कारपेंटर तथा 1855 में एफसी लेविस ने राजस्थान को प्रभावित किया, जिसके कारण छाया प्रकाश युग यथार्थवादी व्यक्ति चित्रण मेवाड़ में 1855 ईस्वी से ही आरंभ हो गया। डॉक्टर सी एस वेलेंटाइन के आचार्य पद में जयपुर में 1857 ईस्वी से ही महाराजा राम सिंह ने हुनरी मदरसा स्थापित किया, जो कालांतर में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ राजस्थानी चित्रकार विदेशों में भी शिक्षा प्राप्त करने गए, जिनमें कुंदनलाल का नाम प्रमुख है। इन्होंने 1866 ईस्वी में सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट बम्बई में कला की शिक्षा प्राप्त की, फिर 1889 ईस्वी में लंदन के स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट में कला का विशेष अध्ययन करने गए। 1893 से 1896 तक लंदन में कला शिक्षा ग्रहण करने के बाद वे स्वदेश लौट आए। यहाँ उनका पर्याप्त सम्मान हुआ और उन्हें कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए। कुंदनलाल ने उदयपुर में राजा रवि वर्मा के साथ साथ स्वयं भी राजघराने के व्यक्ति चित्रों का अंकन किया। भारतीय जनजीवन के चित्र उन्होंने प्रभाववादी शैली में भी चित्रित किए। उनके शिष्यों में रघुनाथ, लहरदास, नारायण, रामनारायण तथा अम्बालाल प्रमुख थे। सौभागमल गहलोत, नंदलाल शर्मा, घासीराम, खूबीराम आदि ने भी यूरोपीय तकनीक के मिश्रण से अनेक शैलियों का विकास किया। इन कलाकारों में यथार्थवाद अथवा प्रभाववाद की ओर झुकाव तथा मॉडल बिठाकर अध्ययन करने की प्रवृत्ति थी। भारतीय विषयों तथा भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों का चित्रण होने के कारण वेशभूषा तथा वातावरण तो भारतीय है, पर भारतीय व्यंजना पद्धतियों जैसे मुद्रा विधान, रस विधान आदि का प्रयोग नहीं है। तकनीक प्रायः यूरोपीय है और तैल माध्यम में अधिकांश कार्य किया गया है। यह स्थिति बहुत दिनों तक चलती रही, किंतु इसके विरोध में एक नया आंदोलन आरंभ हुआ, जिसे बंगाल का पुनरुत्थान आंदोलन कहा जाता है। यह ऐसे कलाकारों और कला मर्मज्ञों का दल था जो भारतीय परंपरा को जीवित रखते हुए अजंता आदि की शास्त्रीय अथवा मध्यकालीन लघु चित्र शैलियों में विकसित रूप पद्धतियों का प्रयोग करने के पक्ष में था। ये कलाकार कोमल घुमावदार रेखाओं और वास पद्धति के रंगों का ही प्रयोग मुख्यतः करते थे और एक पवित्र धार्मिक कृत्य की भांति अपने विषय अथवा मन स्थिति के प्रति पूर्ण आस्था से कार्य करते थे। ये सभी चित्रकार आकृति मूलक थे। कुछ कलाकारों ने टेम्परा में भी पर्याप्त कार्य किया, जिनमें नंदलाल बसु का नाम प्रमुख है। अगला टॉपिक है ठाकुर परिवार। 1857 की असफल क्रांति के पश्चात अंग्रेजों ने भारत में हर प्रकार से अपने शासन को दृढ़ बनाने का प्रयत्न किया, किंतु 20वीं सदी के आरंभ होते होते स्वतंत्रता आंदोलन पूरा
जोर पकड़ने लगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना और उसके द्वारा धीरे धीरे स्वतंत्रता की लहर के व्यापक होने के साथ साथ अंग्रेज़ों ने अपने समर्थकों और अन्य लोगों में अपनी छवि उभारने का काफ़ी प्रयत्न किया। इसके परिणाम स्वरूप इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई, जिसके 30 संस्थापकों में से केवल 5 भारतीय थे। भारत में ब्रिटिश सेना के कमांडर इन चीफ इसके सभापति थे। बंगाल के गवर्नर रोनाल्ड से ने इस संस्था को राजनीतिक कारणों से प्रोत्साहित किया। बंगाल भारत की राजधानी थी। जमींदार ठाकुर परिवार के अधिकांश सदस्य स्वतंत्रता आंदोलन के बाहर थे। उनमें से कई ब्रह्म समाजी तथा समाज सुधारक थे और अंग्रेजों से मित्रता रखते थे। पिछली सामंती व्यवस्था के कारण समाज में ठाकुर परिवार का बहुत आदर था, अतः अंग्रेजों ने उसके माध्यम से अपने ही प्रचार का प्रयत्न किया। 1910 में इंग्लैंड में इंडियन सोसाइटी बनाई गई, जिसमें रुथनचेन, हेवेल, लेडी हरिंगम, भावनगरी तथा कुमार स्वामी, इन्होंने ठाकुर कलाकारों की लंदन तथा पेरिस प्रदर्शनियों का आयोजन 1914 में किया। 1912 में गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद हुआ और 1913 में रविन्द्रनाथ ठाकुर को उस पर नोबेल पुरस्कार भी दिलवा दिया गया। 1915 में रविन्द्रनाथ ठाकुर को नाइटहुड की पदवी भी दी गई। ठाकुर परिवार में केवल अवनींद्रनाथ ही पश्चिमी कला शैली के सक्रिय विरोधी थे, जिन्होंने ठाकुर शैली का सूत्रपात किया था। अतः 1917 के पश्चात ठाकुर स्कूल को सारे देश के कला विद्यार्थियों के निर्देशन का अधिकार भी दे दिया गया। विनायक पुरोहित का विचार है कि इस प्रकार अंग्रेजों ने जमींदार ठाकुर परिवार को लाभ पहुंचाया। अवनींद्रनाथ ठाकुर तथा उनके दल द्वारा विकसित कला शैली में भारत की स्वतंत्रता का कोई उद्घोष, क्रांति के कोई बीज या विप्लवकारी विषय आदि नहीं थे। एक स्वप्निल शैली में स्वप्न के समान ही अतीत अथवा कोमल विषयों का अंकन इसमें प्रमुख रूप से हुआ था। देश में चल रहे आज़ादी के आंदोलन का कोई भी प्रतिबिंब इस कला में नहीं था। फिर भी बंगाल शैली ने पश्चिमी अनुकरण का विरोध किया था। इस आंदोलन की सबसे बड़ी देन यह थी कि इसने सारे देश की कलात्मक गतिविधियों में नई चेतना भर दी थी। अवनी बाबू के शिष्य सारे देश में फैल गए और कला प्रचार का अवनी बाबू के शिष्य सारे देश में फैल गए और कला का प्रचार करने लगे। यह एक दिलचस्प बात है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर पश्चिमी शैली के विरोधी नहीं थे। इस प्रकार गांधी जी की स्वदेशी की विचारधारा से उनके विचारों में अंतर था। असहयोग आंदोलन से भी सहमत नहीं थे। इसी के साथ यह भी दिलचस्प बात है कि जिसे हम आज भारतीय आधुनिक चित्रकला कहते हैं, उस पर पश्चिमी कला का जबरदस्त प्रभाव है और साथ ही भारत की परंपरागत कलाओं के तत्वों को बंगाल शैली की तुलना में आधुनिक भारतीय कला ने ज़्यादा अच्छी तरह समझा है। भारत की आधुनिक कला की महत्वपूर्ण उपलब्धियां बंगाल में न होकर बंबई, बड़ौदा, दिल्ली आदि में ही हुई हैं।